बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बीफ पाई। तो बहुत सिंपल तरीका है। ये मैंने 3 से 4 प्याज कटिंग किए हुए हैं, 4 हरी मिर्च हैं मेरे पास, ये 4 से 5 जवे लहसुन के हैं, और यह आधा इंच मेरे पास है अदरक का। हम इन सबको इकट्ठा एक साथ इसमें डाल देंगे। ये 1 टेबल स्पून मेरे पास नमक है, 1 ही टेबल स्पून मेरे पास सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, ये 1 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा है, और ये 3 पीस मेरे पास दालचीनी के, 2 इलायची हैं, थोड़ी सी सौंफ 1 पिंच तकरीबन, 1 पिंच मेरे पास ये कलवंजी है, 3 लौंग के पीस हैं। तो अब हम सारी चीज़ें इकट्ठी डालने के बाद इसको एक दफ़ा तकरीबन 2 से 3 घंटे पकाएंगे। ये सब चीज़ें अब मैंने डाल दी हुई हैं। मीडियम आंच पे अभी मैं तकरीबन इनको 2 से 3 घंटे पकने के लिए रख दूंगी। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर दें। अब ऊपर से इनको ढांप के रख दें। ये देखिए 4 से 5 घंटे हो गए इसको पकते हुए, अब ये बिल्कुल रेडी है। मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ इसमें डाल दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आई होप आपको पसंद आएगा। काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपीज के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।